2017 से पहले प्रदेश की अस्मिता से खिलवाड़ किया जाता था। जब भी कोई त्योहार आता था तो दंगे फसाद होते थे, कर्फ्यू लग जाता था। आज त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं, कांवड़ यात्रा गाजे बाजे के साथ निकाली जाती है, कहीं कोई कर्फ्यू नहीं लगता है। क्या 2017 से पहले बिजली आती थी? नहीं ना, आज वही लोग फ्री में बिजली देने की बात कर रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर किसने बनवाया? क्या सपा बसपा कांग्रेस में मंदिर बनना संभव था? अभी 3 दिन पहले कोर्ट ने 38 आतंकवादियों को फांसी की सजा सुनाई है। उनमें से एक समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहा था। समाजवादी पार्टी को अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। आपके लखीमपुर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, इसका सीधा फायदा आप सभी लोगों को मिलेगा। साथ बाढ़ आपदा वाले प्रभावित क्षेत्रों में आने वाली बाढ़ से बचाव के उपाय किए जाएंगे। गोला में पलिया विधायक रोमी साहनी व गोला विधायक अरविंद गिरी सहित तमाम संख्या में लोग मौजूद रहे। यही आपसे निवेदन करने आया हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय योगेश जी। जय जय श्री राम। मैं बहुत ही श्रीनगर की लोकप्रिय विधायिका आदरणीय श्रीमती मंजू त्यागी जी से आग्रह करूंगा, आए और अपने विचार रखे, फिर पूछे मान त्यागी जी का हम सबको आशीर्वचन मिले। आदरणीय मंजू त्यागी जी, कौन आया कौन आया? भारत माता का लाल आया। मंच पे आसीन हम सबके यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज जी, आज ऐसा दिन है श्री। आज भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में कोई दंगा करने का साहस नहीं करता। आज उत्तर प्रदेश में कोई तर्क नहीं लगा यात्रा निकलती है और हर हर मोहम्मद का नारा लगाते हुए कांवर यात्री जब जाते हैं तो बाबा गोकर्णनाथ का भी आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश को उनकी भक्ति के से एक नई शक्ति मिलती है और उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों के साथ आगे बढ़ता दिखाई देता है। भाइयों बहनों, ये वही उत्तर प्रदेश में है। मैं आपके लखीमपुर वासियों से पूछना चाहता हूँ, क्या 2017 के पहले आपको बिजली मिलती थी? ये अंधेरे में रहने के लिए आपको मजबूर करने वाले लोग आज कैसे बिजली बिजली देंगे? अरे जब बिजली जब थे तब तो दे नहीं, बिजली दोगे कहाँ से? वर्तमान में कोरोना महामारी से पूरी दुनिया जूझ रही है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, कोरोना ने फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन, कितने लोगों ने वैक्सीन ले ली है? यहाँ अभिनंदन आप सबका, आपने सबने वैक्सीन ली है। ये कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई का प्रतीक है, यानी आपने वैक्सीन लेकर के कोरोना योद्धा के रूप में काम किया, इसलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। भाई बोलो, कोरोना हारेगा फिर जीतेगा, इस संकल्प के आप प्रतीक है। लेकिन जिन लोगों ने कोरोना के बारे में दुष्प्रचार किया था कि वैक्सीन के बारे में दुष्प्रचार कर रहे थे, कोरोना को फैला रहे, और जो लोग कहते थे वैक्सीन मोदी वैक्सीन है, बीजेपी वैक्सीन है, आखिर इसी वैक्सीन ने तो हमारी जान बचाया है। तीसरी हेल्प का भाई कब चली गई कोई पता नहीं। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भाइयों बहनों, जब ये वैक्सीन जान बचा रही है तो चाहे वहां मोदी वैक्सीन हो या बीजेपी वैक्सीन हो, तो समर्थन करेंगे ना?
भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में कोई दंगा करने का साहस नहीं करता। आज उत्तर प्रदेश में कोई तर्क नहीं लगा सकता। उत्तर प्रदेश में आज शानदार कांवड़ यात्रा निकलती है और हर हर मोहम्मद का नारा लगाते हुए कांवड़ यात्री चल जाते हैं। तो बाबा गोकर्णनाथ का भी आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश को उनकी भक्ति के से एक नई शक्ति मिलती है और उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों के साथ आगे बढ़ता दिखाई देता है। भाइयों बहनों, ये वही उत्तर प्रदेश में है। मैं आपके लखीमपुर वासियों से पूछना चाहता हूँ, क्या 2017 के पहले आपको बिजली मिलती थी? ये अंधेरे में रहने के लिए आपको मजबूर करने वाले लोग आज कैसे बिजली मिलती देंगे? अरे जब बिजली जब थे तब तो दे नहीं, गरीबोगे कहां से? वर्तमान में कोरोना महामारी से पूरी दुनिया जूझ रही है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, कोरोना में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन, कितने लोगों ने वैक्सीन ले ली है? यहां अभिनंदन आप सबका, आपने सबने वैक्सीन ली है। ये कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई का प्रतीक है, यानी आपने वैक्सीन लेकर के कोरोना योद्धा के रूप में काम किया है, इसलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। भाई बहनों, कोरोना हारेगा फिर जीतेगा, इस संकल्प के आप प्रतीक हैं। लेकिन जिन लोगों ने कोरोना के बारे में दुष्प्रचार किया था कि वैक्सीन के बारे में दुष्प्रचार कर रहे थे, कोरोना को फैला रहे थे, और जो लोग कहते थे वैक्सीन मोदी वैक्सीन है, बीजेपी वैक्सीन है, आखिर इसी वैक्सीन ने तो हमारी जान बचाया है। तीसरी है दवाई कब चली गई कोई पता नहीं। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाइयों बहनों, जब ये वैक्सीन जान बचा रही है तो चाहे वहां मोदी वैक्सीन हो या बीजेपी वैक्सीन हो, तो उसको समर्थन करेंगे ना? अपराधी और माफियाओं को भी ठिकाने लगाने का काम भी कर रही थी ना? याद करना, सपा की जब सरकार थी, सपा की सरकार ने क्या किया था? आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लिया था ना? मुझे एक बात बताइए, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रारंभ किया ना? क्या ये काम सपा बसपा और कांग्रेस के लोग कर पाते? उनके समय में एक ही महोत्सव होता था, सिपाही महोत्सव होता था, और सिपाही महोत्सव में उनको भी नहीं पता था इनके भाव क्या है, भाषा क्या है, राग क्या है, रंग क्या है, आयोजकों को भी पता नहीं होता था। आज तो भाइयों बहनों, प्रदेश में अयोध्या में दीपोत्सव मनाया जाता है। दीपावली का आयोजन कैसे होना चाहिए? अयोध्या का दीपोत्सव उसका उदाहरण होता है। होली कैसे खेली जानी चाहिए? मथुरा वृंदावन का रंगोत्सव उसका प्रमाण होता है। देव दीपावली कैसे होती है? काशी की देवताओं की दीपावली काशी की देव दीपावली बता देती है। कुंभ कैसे होना चाहिए? प्रयागराज का भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ उसका उदाहरण है। और भाइयों बहनों, इन सब के साथ आज मैं आप सबको इस बात के लिए जोड़ना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश को देश के ना अंदर नंबर एक का राज्य बनाने की जो कार्रवाई हमने प्रारंभ की है, क्या उत्तर प्रदेश नंबर एक का राज्य बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? हमारा राज्य नंबर एक का बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? हमारा नौजवान नंबर एक का बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? हमारा किसान नंबर एक का बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? हमारा उद्यमी नंबर एक का बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? वो बनेगा तब
जब डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और उसी के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीनगर से श्रीमती मंजू त्यागी को और लखीमपुर से श्री योगेश वर्मा जी को चुनाव जिता करके जब आप भारी मतों से भेजेंगे तो ये वोट सारा का सारा मेरे पास आ जाएगा लखनऊ में। सहमत है ना? सपा बसपा कांग्रेस जिन्होंने आपके साथ अन्याय किया था, मेडिकल कॉलेज के लिए तरसाया था, विकास की योजनाओं के लिए तरसाया था, आज इनको एक एक वोट के लिए तरसाएंगे ना? सभी वोट कमल के फूल पर जाएंगे, लेकिन उसके लिए एक शर्त, 23 फरवरी को पहला का मतदान और फिर जलपान, पहला मतदान। सभी लोग सहमत हैं? श्रीमती मंजू त्यागी को और श्री योगेश वर्मा को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे। दोनों हाथ पा करके मेरे साथ बोलेंगे, दोनों हाथ पा करके, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। के बारे में कुछ प्रचार कर रहे थे, कोरोना को फैला रहे थे और जो लोग कहते थे वैक्सीन यूपी वैक्सीन है, बीजेपी वैक्सीन है, आखिर इसी वैक्सीन ने तो हमारी जान बचाया है। दवाई कब चली गई कोई पता नहीं। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भाइयों बहनों, जब ये वैक्सीन जान बचा रही है तो चाहे वहां मोदी वैक्सीन हो या बीजेपी वैक्सीन हो, तो इसको समर्थन करेंगे ना? प्रचार कर रहे थे उनसे भूखोर जवाब देंगे, तैयार है। और जो सरकार थी भाजपा की, डबल इंजन की सरकार थी, महीने में डबल डोज राशन का भी चुका होगा ना? फ्री का राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? 2017 के पहले भी मिलता था और राशन के साथ दाल भी होगा, रिफाइंड तेल भी होगा और एक किलो नमक भी होगा, है कि नहीं है? भाइयों मेरे, पहले ये पैसा कहाँ जाता था? पहले यही पैसा समाजवादी पार्टी के मित्र वाले मित्र के घर चला जाता था और मित्र वाले मित्र इसी पैसे को आरसीपी में कैद करके प्रदेश की जनता को फूटा पड़ने के लिए छोड़ देते थे, लोग अराजकता फैलाते थे, गुंडागर्दी फैलाते थे। लेकिन आज मैं आपसे कह सकता हूं भाइयों बहनों, अगर हमने कोरोना कालखंड में एक एक व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए और कोरोना प्रबंधन के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रत्येक नागरिक को वैक्सीन, सबको वैक्सीन और हर एक व्यक्ति तक खाद्यान्न पहुंचाने का कार्य किया, राशन पहुंचाने का काम किया है, वो हमारी जिम्मेदारी थी। हम लोगों ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। कोरोना कालखंड में हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे पदाधिकारी आपकी सेवा करते रहे। लेकिन कहीं सपा बसपा कांग्रेस के भी नेता कहीं देगा, कहीं ज्यादा पता रह गया। जब चुनाव आएंगे ये लोग निकल आएंगे और चुनाव के बाद फिर गायब हो जाएंगे, और ये दोनों चुनाव में भी इनको गायब कर